हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार पनीर मखनी। चले स्टार्ट करते हैं पनीर मखनी बनाना। ये मैंने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है, वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें थोड़ा बटर डालूंगी मैं। मैंने थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, बाकी का बटर डाला है, लगभग 2 टेबल स्पून। अगर सिर्फ बटर में हम लोग मसाला कुक करें तो बटर बिल्कुल जल जाता है, थोड़ा सा रिफाइंड मिक्स करना ही पड़ता है। अब इसमें मिक्स करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, सिर्फ थोड़ी देर सौटे करेंगे। इसको अच्छे से सौटे करिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मैंने 5 से 6 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे इसके लिए, और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। टोमेटो प्यूरी मिक्स कर लीजिए। टोमेटो प्यूरी बनाते हुए बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें आपको पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। आप विदाउट पानी मिक्स किए हुए ही टोमेटोज को ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी टोमेटो प्यूरी कुक हो गई है। लगभग 5 से 6 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के लगभग। थोड़ा सा इसमें हम लोग दालचीनी पाउडर डालेंगे, सिनेमिन पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। आपने इस ग्रेवी को तब तक सॉटे करना है जब तक ऑयल इसमें से अलग ना हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी ये ग्रीन चिली डाल रही हूं मैं। ग्रीन चिली के बाद थोड़ा सा ये जिंजर है, लंबा काटा हुआ है मैंने, थोड़ा सा ये ऐड कर लो और अच्छे से मिक्स करें। सॉल्ट इसमें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट और थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश करके डालिएगा। थोड़ी देर और कुक करिए इसे, 2 से 3 मिनट। 1.5 कप के लगभग इसमें पानी डालेंगे और ग्रेवी के अब थिक होने का वेट करना है। हमारी ग्रेवी अब थिक हो गई है, ये देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो गई है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड करूंगी। ये शुगर हम लोग टमाटर की सोरनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी ऐड करनी है, क्योंकि टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं तो उसी पे डिपेंड करता है कि आपको शुगर कितनी डालनी है। मैंने 1 टीस्पून के लगभग डाली है। अच्छे से मिक्स करके अब इसमें हम अपना चीज ऐड करेंगे। मसाला पनीर हमारा एकदम रेडी है। देखिए मसालेदार पनीर मखनी हमारा एकदम रेडी है। पनीर मैंने इसमें सारा ही ऐड कर लिया है। अब बड़े हल्के हाथों से
इसे मिक्स करिएगा कि कच्चा पनीर है वो टूट जाता है। देखिए हमारी पनीर मखनी, मसालेदार पनीर मखनी एकदम रेडी है डिश आउट के लिए। अब हम इसके ऊपर या तो क्रीम डालेंगे या फिर हम लोग इस पे मलाई डाल सकते हैं। मैं मलाई यूज कर रही हूं, आप क्रीम भी यूज कर सकते हो। देखिए देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है। और जो हमने ग्रीन चिली पहले बचा के रखी थी उसे हम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा जिंजर जो लंबे पीसेस काटे हुए थे, ये मसालेदार पनीर मखनी एकदम रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।